लखमीरपुरी हिंसा की वजह से अभी तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही साथ सत्तासीन पार्टी पर विपक्ष भी हमलावर है। इसी बीच हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखमीरपुर खीरी में हुई घटना के बाद राजधानी दिल्ली में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। किसानों के गुस्से को देखते हुए सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और साथ ही साथ टीकरी बॉर्डर पर भारी बल तैनात किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली से जाने वाले ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि दिल्ली से NH-24 पर जाने वाले वाहन चालक DND और आनंद विहार की तरफ से निकले, इसी के चलते अब वहां भी जाम लगने लगा है। नोएडा से दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर बैरिकेड लगाकर जांच की जा रही है। सोमवार को सप्ताह का पहला वर्किंग डे होने के चलते सड़कों पर वाहनों का दबाव ज्यादा है। 30 मिनट से यहां वाहन चालक फंसे हैं। नोएडा के DND की तरफ भी ट्रैफिक को रोक दिया गया है। नोएडा का पूरा ट्रैफिक नोएडा लिंक रोड की तरफ डायवर्ट करने के चलते नोएडा लिंक रोड पर भी भारी जाम लगा है। वाहन चालक करीब 40 मिनट से जाम में फंसे हैं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी के साथ।